So, आज हम लोग गोल्स के ऊपर में बात करने वाले हैं। गोल्स एक्चुअली होता क्या है और जो नए बच्चे हमारे पास में ज्वाइन करते हैं उनको गोल्स बनाना जरूरी क्यों रहता है। गोल्स और ड्रीम्स के बीच का डिफरेंस ये होता है कि ड्रीम्स और गोल्स मतलब गोल मतलब जिसके सामने एक डेट लग गई, ड्रीम मतलब जिसके सामने एक डेट नहीं लगी। सो गोल्स को हम लोग तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है मिड टर्म गोल, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। सो जो शॉर्ट टर्म गोल होता है आप अराउंड 6 महीने से 1 साल में ये चीज को अचीव करते हैं, और आपका जो मिड टर्म गोल होता है वो आप 1 साल से लेकर 3 साल में अचीव करते हैं, और जो आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है जो आपको एक बहुत बड़ा पुल प्रोवाइड करता है उसको हम लोग 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में अचीव करते हैं। सो इस तरीके से अगर आप अपने गोल्स को बनाते हैं, बट गोल्स हैज टू बी टेंजिबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को कैटरीना कैफ से शादी करनी है, इट्स नॉट अ टेंजिबल गोल। आपका गोल्स एक पर्टिकुलर गोल रहना चाहिए, जैसे कि आपने शॉर्ट टर्म में लिखा, बट गोल्स के साथ में आपका एक इमोशनल कनेक्ट भी रहना चाहिए। जैसे कि आपने शॉर्ट टर्म गोल में लिखा मुझे एक अपन लेते हैं एक पेन अचीव करना है, एक 800 रुपए का पेन खरीदना है, या मुझे मम्मी पापा के लिए कपड़े खरीदना है, मुझे भाई के लिए कपड़े खरीदना है, भाई का कुछ एजुकेशन का पे करना है, बहन का एजुकेशन का पे करना है, तो उससे मेरा एक इमोशनल कनेक्ट है। इसलिए हमने गोल्स को ऐसा बनाया कि जिससे मेरा इमोशनल कनेक्ट है जो मुझे 6 महीने से 1 साल के पीरियड में अचीव करना है। उसके अलावा हम आते हैं मिड टर्म गोल पे। मिड टर्म गोल में आपका हो सकता है, देखो जो मैं गोल्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं छोटे छोटे गोल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एकदम से लैम्बोर्गिनी आपको बड़ी बड़ी काली बड़ा घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हम छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ते हैं। तो हमने मिड टर्म गोल पे जब आते हैं तो हमने एक टू व्हीलर लिखा। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास टू व्हीलर का लाइसेंस ही नहीं, तो मैं टू व्हीलर कैसे सीखूंगी। सो अब टू व्हीलर जब तक आएगी नहीं तो आप सीख कैसे पाओगे टू व्हीलर को। उसके बाद में आपका एक हैंडसेट का गोल आ गया, आपका ब्लेजर सूट का गोल आ गया, आपके शूज का गोल आ गया। तो आपको क्या अचीव करना है शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, और सबसे बढ़िया और सबसे जो चीज हमको पुल करता है वो होता है लॉन्ग टर्म गोल। सो लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि मेरा 1 RK का मेरा खुद का एक फ्लैट रहना चाहिए नागपुर के रेडियस के अंदर में। और ये फ्लैट से क्या होता है कि आपको लगता है कि मेरा खुद का घर बन गया। उसके अलावा मेरे पास में कार होनी चाहिए जो मुझे धूप और बारिश से बचाएगी। और उस गोल्स को ना आपको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है कि आपको इमेजिन करना है कि आप उस कार में बैठे हो, आपके बाजू में आपकी मम्मी, आपके पीछे आपके पापा बैठे हुए और आप कार को चला रहे हो। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हो तो आप उस चीज को अट्रैक्ट करना चालू करते हो। तो इस तरीके से आपको इस 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब आप 4th और 5th दिन में लैंड करते हो तो आपको आपका गोल्स बनाना है। थैंक यू सो मच।